सर देखा है आपने फार्म हाउस, गेस्ट हाउस कह लें, बंगला कह लें, लेकिन वो भूत बंगला बन गया। और कामरान भाई याद दिलाना मास्क लेने हैं, मास्क जी। वो यार वो देखने वाले कह रहे हैं कि आप जब भी चमगादड़ों के बीच में जाते हो ना तो मास्क ज़रूर पहनो यार, बड़ी जरासीम बीमारियां फैल रही हैं। और ये जो आपको दीवार पे ये कोई वॉलपेपर या पेंट नहीं है, कोई डिज़ाइन नहीं है, ये बीठे हैं चमगादड़ों की। ये जो आपको लाल धब्बे नज़र आ रहे हैं ना खून नुमा, ये उड़ते हुए बीठे रहती हैं। मैं आपको बता दूँ जी, गडाब पहुँच गया हूँ मैं अभी, हमने बकाई यूनिवर्सिटी क्रॉस की है और ये देख लें गडाब के एरिया में है। यहाँ पर वो भूत बंगला कह लें जो बन गया है। आप अच्छा आप बता रहे हैं कि भाई ये रोड से ना गडाप रोड से हम उतरेंगे नीचे इस साइड पर, ये तो कच्चा सा है। मैं आपको वो मोटरसाइकिल जा रही है ना इसके पीछे हमने जाना है, देखें जी ये अब होता यही है कि आहिस्ता आहिस्ता हम आबादी से जो है ना दूर जाने लगते हैं। और बताओ यार यहाँ भी कोई रास्ता होगा समझ में, कोई सोच सकता है? नोट कर रहे हैं कामरान भाई? जी जी भाई, शुक्र है सर अल्लाह ने आपको सवारी ऐसी दी हुई है, नहीं तो कौन सी गाड़ियाँ जाएंगी यहाँ पे समझ लो। बात तो सही है यार, नोट करें ना यार। लाहौत लामा गांव पे याद है ना आपको, कभी कल्टस फारे कभी हायरूफ फारे पानी हुए। ये देखें आप रोड देखें आगे क्या हाल है यहाँ का। यार कल ही सर्विस करवाई थी। आउच 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 आउच, कांटे लग रहे हैं जी साइडों पर। लेकिन ऐसी जगहों का यही हाल होता है कि रास्ते जो है ना वहाँ के वो इस काबिल नहीं होते कि आप पहुँच सकें। आहिस्ता आहिस्ता ये होते तो फिर काबिल है इस काबिल, नहीं तो अभी आहिस्ता आहिस्ता ये पूरा ही कवर हो जाएगा। देखें तो सही हम कहाँ जा रहे हैं यार। अरे सजाद आपने एक चीज देखी जी कि इस प्रोग्राम की वजह से लोगों को कितनी अवेयरनेस है कि छोटी छोटी सी जगहें होती हैं, जो ये जो हमें जगहें नजर आ रही हैं ये कोई हमें ईमेल पे थोड़ी भेज रहे हैं या ये कोई हमें कॉल थोड़ी कर रहे हैं, ये छोटी छोटे से जो लोग हैं ये भी यानी कि रसाई है इनकी भी उस प्रोग्राम तक सर, कि ये फिर जो है वो हमें भेज रहे हैं सर तो बना बना के कि आप यहाँ आइए। सुन भाई आपको पहले तो कराची शहर से फिर मुख्तलिफ शहरों से सही फिर पूरे मुल्क से अब सर पूरी दुनिया से बुला रहे हैं आपको। कीन जाने वो मोहब्बत करते हैं, कहते हैं बस आप पहुंच जाएं, आप हमारे पास रहें, हम आपको लेके जाएंगे लेके आएंगे, बहुत मोहब्बत रखते हैं पूरी दुनिया से यार। तो बस ये सब जी एक इंतज़ाम है रब डाल रहे हैं दिलों में, वो भी कुछ देखकर बुलाते हैं। मैं आपको बड़ी बात नहीं करता हूँ, कुछ पैरानॉर्मल हो जाए पाकिस्तान क्या एशिया में और शायद दुनिया से कोई चीज़ ऐसी पैरानॉर्मल हो ना जो समझ ना आ रही हो, सबसे पहले आपको भेजी जाती है कि बताएं ये क्या है। हमने भी पूरी कोशिश की, चाहे वो शेरशाह का मसला हो कामरान भाई, जी जी भाई, वो याद है वो चुपा कैबरा का, जी जी जी, समझे चुपा कैबरा एक मखलूक को खून पीने वाली बला जो 100-100 बकरियों को एक रात में पी लिया, उस पर काम सर हमने उठाया करने के लिए पाकिस्तान में। और बाद में वही बात साबित हुई, उसके इतने हमले हुए और अल्लाह खैर करे बढ़ते हैं वैसे हमले ना बढ़ रहे भी हैं। तो ये करम है जी कि ना आपसे पूछा जाता है, आपको इस काबिल समझा जाता है कि आप बताएं ना, मतलब आपका स्टेटमेंट जो है ना वो उनको तसल्ली दे देता है कि हाँ यार जी। और हम भी हर वीडियो शेयर नहीं करते जी, कई ऐसी भी आती हैं जिस पर समझ नहीं आ रही हो, कुछ ही शेयर कर। यार रास्ता तो डेड एंड लग रहा है आगे, वो झाड़ियाँ कामरान भाई वो तो नहीं, जी जी भाई है वही है दरवाज़ा खुला हुआ है ना, ये राइट वाला, जी जी राइट वाला, वो सामने कहाँ आ गए किधर ले आए यार,
ये तो गडाप के भी अंदर आ गए हम बहुत। वो हाल तो देखो रोड का, बताओ समद भाई चेक कर रहे हो? अब तेजी में निकलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आउच 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 आउच। सर पानी का जहाज बना दिया हमने इसको। ये जगह है जी, सामने गेट खुले हुए हैं। सर गाड़ी तो जा नहीं सकती वहाँ पे? नहीं भाई गाड़ी वहाँ से नहीं जाएगी, पर ठंडी है तो सही है उधर से। हाँ शायद ट्राई करूँ, लेकिन यार बताओ पीछे कुआं नुआ है? मुझे लग रहा है, है। वो बाउंड्री सर गाड़ी यहीं तक है समझ भाई, यहीं तक ही है, आगे नहीं है गाड़ी, यहीं लगा दें जी। चले मगरिब में कुछ टाइम बाकी है जी, उससे पहले देख लेते। अभी से आ गई जी। वो देखें समझ में, देख रहे हैं ना आप? गडाप तो फर्स्ट टाइम आ रहे हो मेरे साथ? गडाप फर्स्ट टाइम आ रहे, बिल्कुल। आ रही हड्डियां जिस तरह से कांटे झाड़ियां उग गई हैं, ये खूंटे जो बांधे हैं जानवरों के, ये तो मेरे ख्याल से एक दो साल पुरानी बात होगी, इस साल के तो नहीं है ये। समझ नहीं आ रहा है, गेस्ट हाउस को क्या तबेला बनाया था? गेस्ट हाउस या फार्म हाउस टाइप की कोई चीज़ बनी हुई है? फार्म हाउस भी इसी तरह के बने हुए जी, लेकिन हाल देख रहे हैं, अभी तो अंदर नहीं गए आप। चलो चिंगारियों की आवाज़ें आ रही। भाइयों, मेरे भाइयों, ये अच्छे साइन नहीं है सर। इसके सामने ही मिल रही हैं। ये बारिश से साफ हो गई हैं या ताजी लग रही हैं? बारिश से हुई है, पता है क्या अभी बारिश हुई है ना ये? शायद तो उसके यहाँ भी बारिश हुई होगी। लेकिन यार ये चलो टटहरी बस जी, रोशनी बाकी है, जल्दी जल्दी देख लो अभी। चले ये अभी शुरुआत में जी साइंस मिले हैं। टटेरी ने आके वॉर्न किया है, अजीब सी गला ज़िबा होने की आवाज़ें आती हैं जो किसी इंसान और जानवर की लग नहीं रही। हड्डियों के ढांचे फैले हैं, दावत हुई हो हड्डियों से और पूरे पूरे जानवरों की। गोबर यहाँ पर मौजूद है पहले से, कहते हैं जी गोबर जन्नात के जानवरों की ग़िज़ा होती है, जैसे हड्डियाँ इनकी होती है ना,
इनके भी जानवर जो होते हैं उनकी गिज़ा गोबर होती है। और ये हाल आपके सामने है, ऐसा फार्म बाड़ा जिसको बाद में बाड़े के तौर पर भी इस्तेमाल किया गया, फार्म हाउस के तौर पर भी इस्तेमाल करने की कोशिश की, लेकिन आपको हाल दिखाया क्योंकि आने वाला है नहीं यहाँ पर। ये पाया है लकड़ी का जी। दीमक लग गई है, इसी का लग रहा है शायद। अल्लाह, मैं जब जाने की कोशिश करता हूँ ये वार्न करती है यार। चलो अगर इसका घोंसला भी है, अंडे भी हैं तो दूर है ना जी। बिल्कुल, मेरे पाँव पर क्यों बोलती है अंदर जाते हैं? और जगह पे उतरी घूमती है कव्वे भी जी। आए यार, एक बात बताया समद भाई, जहाँ इतनी चमगादड़ें होती हैं वहाँ पर जानवर कोई जिंदा बच सकते हैं? क्या है क्या हुआ यार? एक बात बताऊं, भीड़ अलग है, मुझे तो लग रहा है कि खून मून है यार। हाँ, उनकी ऐसी रंग की होती है, ऐसी रंग की होती है। समद भाई देखो ना, ये क्या है? बाल है, दुम बाल। ये क्या है? मैं कह रहा हूँ पूरे जानवर यहाँ पर मरा है, लेकिन उसकी हड्डियाँ कहाँ हैं? सर, हड्डियाँ जितना खा रहा हूँ मैं पसंदीदा को खुरा दूँगी। ये बात मैं कहना नहीं चाह रहा था जबान से। हाय सप्ताह में टॉर्च निकाली मुझे लगता है जो इंजेक्शन हैं जानवरों के लिए होंगे शायद, जो रखे होंगे ना यहाँ पर। अच्छा, इधर शुक्र है बैठे नहीं है चमगादड़ों के। इधर जी यार, इधर आऊँगी भी, इधर आना समझ में। बहुत ही काफ़ी सारी हैं, बहुत आपके सर पे भी होंगी, इस तरफ भी होंगी जी। जी आप नोट कर लें जी, जैसे मैं अक्सर बताता हूँ कि ये वहीं पाई जाती हैं जहाँ पर इंसानों की आमदोरफ्त ना हो, जहाँ रोशनी ना हो। बहुत बड़ी निशानी, हद निगाह, हर वो निशानी जो जिन्नात की मौजूदगी ज़ाहिर करती है। तो रोशनी में आने के ये फ़वाद होते हैं कि खुदा ना खास्ता जो डायरेक्ट हमला होना होता है ना आप पर, उससे आप बच जाते हैं। जो मखलूकात यहाँ होती हैं वो आपको महसूस कर लेती हैं, आपको खुद अंदाज़ा हो जाता है कि यार किधर आना है, किधर नहीं आना और किस हद तक आना है, सब आपके सामने। बहुत अजीब हो गई बाबा से यार। क्या बनाया यार? ये अच्छे साइन नहीं है बाबा। इधर भी हैं चमगादड़ें, ज्यादा हैं। बहुत है, बच्चे भी हैं, उनकी स्मेल आ रही है इधर। बहुत है, बच्चे भी हैं, उनकी स्मेल आ रही है इधर। काफी बहुत है जी, कमरा भरा हुआ चमगादड़ों से। उफ, मैंने ओए यार, ये मैंने आपको दिखाया जी, ये ड्राइंग नहीं है, ये मीठे हैं चमगादड़ों की, उसके बीच में दीमक है। ये तमाम वो निशानियाँ यार जो हमें मुख्तलिफ पुरसरार जगहों पर मिली हैं, कहीं एक, कहीं दो, कहीं तीन, कहीं चार। यहाँ अभी पिछले कुछ ही वक्त में सारी निशानियाँ मिल गई हैं, सारी की सारी। मेरे ख्याल से कोई कम अज़ कम 2-3 साल बाद आने वाले हम लोग हैं यहाँ पर। हड्डियाँ दिखाऊं और हाँ, उसके पीछे चल के दिखाता हूँ उसका मंजर है क्या।
السلام علیکم کیا ہے بڑی گلی ہے وہ دیکھ وہ دیکھ بڑی بڑی وہ لٹک گئی بھائی وہ لٹک گئی اوپر کو अच्छे साइन नहीं है मैंने कहा यार अभी जब तक रोशनी बाकी है ना समझ भाई यार ये अच्छा नहीं है यार ये अच्छा नहीं है मुझे तो लगता है रात में बस इस जगह के बाहर से ही सब कुछ पता चल जाएगा अब जी ऐसी जगहों को चुनने का मकसद यही होता है कि सुना यही गया है कि ऐसी मखलूकात इधर ही बसती हैं जो वीराने हों बयाबाने हों जहाँ पर कोई ज़िंदगी के असरात मौजूदगी ना हो देखते हैं जब बताओ आइएगा भाइयों इसी का इंतज़ार था बल्कि इसी की कमी थी बस घुसा तो नहीं दूसरे पांव से निकाल लो लगा हुआ अंदर घुसा हुआ समझ दूसरे पांव से निकाल लो ये क्या है भाई ये कुआं नुमा क्या स्विमिंग पूल बनाने की कोशिश थी यस हाँ कोशिश थी स्विमिंग पूल बनाने की यहाँ से जी हम उधर जा नहीं सकते क्योंकि ये इसकी बैक साइड का हाल है जंगली झाड़ियाँ अच्छा मुझे कोई बता रहा था कि जो जंगली झाड़ियाँ नहीं होती कहते हैं जिन्नात को बड़ी पसंद होती हैं क्योंकि जहाँ ये होती है ना वहाँ फिर आमदोरफ़ बंद हो जाती है कोई आता जाता नहीं है और ये उगती भी बड़ी तेज़ी से हैं देखते हैं बहुत ज़्यादा हाँ उस तरफ चलते हैं उस तरफ से यार सीढ़ी का दौर चला नहीं गया बहुत अर्से पहले सर चिमगाड़ों की आवाजें बढ़ना शुरू हो गई हैं जैसे जैसे रात हो रही है हड्डियां बहुत फैली हुई हैं इधर फैली हुई हैं और वो देखिए क्या इधर ही काके खाया जाता है क्या सबको साइड साइड यार ये भी तो गलत किया है या दरख्तों को आग लगा के जी भाई जान भाई ये समझ से बाला तरह ये क्या है ये देखें एक दो तीन चार पाँच अच्छा लग पता सरहाने रहे हैं कब्र के जी क्योंकि ऐसी पत्थरों को आप चेक करें ना वो दिया नहीं समझ भाई सरहाने नहीं लग रहे कब्र के लोगों ने जानवर वानवर बांधे होंगे इतनी करीब नहीं बांधते समझ भाई और ना फिर जानवरों ये पत्थर क्यों रखे हैं फिर नहीं ये उस जैसे टायर लगा हुआ है उसी के ऊपर रखने के लिए या तो फिर जानवर उसको टायर को निकाल के भागा है नहीं इतने वजन तो जानवर नहीं रुकता इस वजन पे जानवर नहीं रुकता तो भारी होता है बहुत ये तो कोई बकरा भी खींच के ले जाएगा पता नहीं खैर करें कब्र ना ही हो तो बेहतर है आए उस तरफ ये गलत किया यार ये आग जलाई है जगह जगह दरख्तों को जला वहीं यहीं से आ जा समझ कहाँ इधर जाना है ये देखें जी यहाँ भी जलाया है जलाया है या जलाया जला है यस चलो आइएगा इधर
ये देख लें भाई, मैं आपको बताऊं। चलो चलो भाई, ये माहौल है जी आपके सामने। बस यही साइज की हड्डी होती है गाय की, जो बड़ी होती है ना, इस पर जादू होता है। ये हो गई, वो हो गई, ये बड़े साइज की होती हैं। अब जी मुझे बताएं, आपने वहाँ हड्डियाँ देखी, यहाँ तो पूरा ही मिल गया आपको। चलो मैं कहता हूँ, कोई जानवर मरता है ना, एक साइड पर हो, एक जगह पर उसकी हड्डियाँ, ऐसे फैलती नहीं है। फिर जहाँ पर एक जानवर की हड्डियाँ मौजूद हो ना, दूसरा जानवर वहाँ नहीं जाता। समझ में, हम गए दो जगहों पर, एक डिफेंस में खड्डा मार्केट पर, वहाँ ऊपर टैंक के नीचे ना मुझे 5 बिल्लियों के ढांचे मिले, और उनका जर्मन शेफर्ड कुत्ता, वो बेचारा ऊपर नहीं आता था। मालिक उनको खींचे, मेरे पास फुटेज में है ये, तो उसको खींच रहे हैं ऊपर, वो रोना शुरू हो जाता था, बड़ा ऊपर नहीं आता था, जिस पे मुझे शक हुआ कि ऊपर ऐसा क्या है। और वो जर्मन शेफर्ड कुत्ता पहाड़ों पे ले जाए, उसको फोबिया नहीं था हाइट से, लेकिन एक अनजाना खौफ जो था ना। पुरसरार जगहों की कंडीशन, अभी हम वहाँ गए थे सुजानी टाउन में, समझ भाई, कामरान भाई याद है, बहुत सारे जानवरों के ढांचे मिले थे हमें। बाकी है, जल्दी आ जाओ यार। हड्डियाँ हड्डियाँ बाबा, हड्डियाँ सर, चप्पलें चप्पलें, ये चेक करें, ये खौफ की निशानी है सर, जो खौफ में लोग भागते हैं ना चप्पलें छोड़ के। लाइट बढ़ा लें, समझ में, लाइट फुल है। ये जी इसकी बैक साइड है, हमने कहा देख लें। अच्छा, ये मोहब्बत है आप लोगों की, जो हमें ऐसी जगह मिल जाती है और ऐसी जगहों पे हमें बुला लिया जाता है, हम पहुंच भी जाते हैं। लोगों का कहना ये है कि भाई हम आपको 15 साल से देख रहे हैं ना, तो एक अपनायत सी, फिर ना हमें ना सदाकत महसूस होती है। आप इन जगहों पर जाना, रुकना, देखना आसान नहीं होता, तो लोग भी समझते हैं। मैं तो कोशिश ये होती है कि मैं जगह के बारे में बताऊँ ना, बल्कि दिखाऊँ आपको, और वो जगह चुने हम जो अपना आप खुद बता रही हूँ, जिसके लिए कुछ कहना की ज़रूरत ना पड़े आपको, और उसके लिए चाहे जहाँ जाना पड़े तो शौक भी कह लें। और ये देख लें, आपके सामने है, अगर आप समझते हैं माशाल्लाह, ये निशानियाँ आपके सामने हैं, ये सबूत, ये चीज़ें आपके सामने हैं, ये जितनी सफ़ेद सफ़ेद चीज़ें नज़र आ रही हैं ना आपको सर, ये हड्डियाँ हैं। ये इसकी बैक साइड है जी, ये देख लें आप, कहना में सांपों पर भी नज़र रखना। ये सही कह रहे हैं, शायद स्विमिंग पूल की कोशिश थी जो अधूरी रह गई। नहीं, बात यह, आपने इतने पैसे लगाए, इतना खर्चा किया, ये आसान नहीं होता, समझ लीजिए, बहुत महंगा बनता है स्विमिंग पूल। फाउंडेशन डलती है नीचे सरिये की पूरी ना, ताकि पानी लीक ना हो, बहुत कॉस्टली बनता है। फिर इतने शौक से, इतनी चाह से आपने इतना कुछ बनाया, और बर्बादी देख कर दुख होता है। असल में जी, हमें अक्सर जगहों पर निशानियाँ मिलती हैं और ये साबित करती हैं कि किस हद तक पुरसरारियत है। इतनी सारी हड्डियाँ एक साथ मिलना, ये बड़ा डराने वाला वाकई तकलीफ की अलामत है। बिल्कुल है, बिल्कुल है। हमारे ईमान का हिस्सा तो था ही जी, हमारे इल्म का हिस्सा भी है कि हड्डियाँ जो है ना, जिन्नात की ग़िज़ा होती है, ख़ासकर वो हड्डियाँ जिस पर हल्का सा गोश रह जाता है ना, वो फिर गोबर जो है वो जिन्नात के जानवरों की ग़िज़ा होती है। और ठीक इस जगह के सराउंड में, नोट कर रहे हैं ना आप, अब हम कहाँ गाड़ी पार करके आए, हमें रास्ते में कोई हड्डी नहीं मिली, जहाँ हम जगह के करीब पहुँचे हैं ना, ये वाज़ह निशानियाँ होती हैं। जैसे अक्सर खुश्क दरख्त मिल जाते हैं आपको उस जगह के आसपास,
तो ये निशानियाँ होती हैं ना कि समझदार के लिए इशारा काफ़ी कि ये किन की जगह है, कौन बसते हैं यहाँ पर, किन की खुराक है ये। अंदर आपको पूरा उसके बाल मिले हैं जानवर के, खाल उसकी हड्डियाँ नहीं मिली हैं। और चलो एक हुआ आपको, दो तो पूरे ढांचे मिल गए, हल्की सी जी रोशनी बाकी है, बस अंधेरा होने को है। तो इसीलिए हमने ये विज़िट कर लिया पहले। अगर रात में हम पहुँचते तो ये शायद जगह ना देखते और अनजाने में अंदर चले जाते तो पता नहीं क्या रिएक्शन आता। अब ये होता है कि वो हमें देख लें, हम उनको देख लें, अपनी नीयत बता दें और बासानी सेफ्टी के साथ जिस हद तक उनको रिकॉर्ड कर सकें, जान सकें कि आखिर वो क्या है। मालिक आया था, उसने बोला ये ऐसा मसला रहे था ही नहीं, हमने ज़मीन खुद ही खरीदी है। जी जी। उसने आके एक रात देखी थी। ठीक है। उसने बोला था जुम्मे की रात ज़्यादा आवाज़ आती है, वैसे भी हमारे को दिखाई दे रहा है और जुम्मे की रात ज़्यादा आवाज दे रही है, जिन वगैरह हमारे को दिखाई दे रहा है, हमारा लोग बीमार हो गया, आखिरी एक बंदा मर भी गया, वो तो भाग गया, छोड़ के भी बंद हो गया। पहले इधर पूरी आबादी थी सुन, तो उसके बाद जो भाग गया था, ये जिन वगैरह था, उसके पूरा जंगल हो गया, कोई नहीं रह सकता इधर। तो उसने मालकों ने बोला, उसने हमारा कोई वटेरा है उसको बोला ये मसला हमारा चल रहा है जी, इधर कोई जिन वगैरह कोई ऐसा बंदा है जी, तो हमारे को ये साफ करके दे जिन वगैरह। ठीक है। उसने वटेरा हमारे बोला हम और कुछ नहीं कर सकते, आपको हम बंदा देंगे चौकीदार, वो आपको चौकीदारी करेंगे अपनी जिम्मेदारी से, उसको छेड़ना नहीं है, जो छेड़ेगा तो उसको अपनी जिम्मेदारी अब खुद उठाएगा। नजीर नजीर मैं नहीं कहता हूँ। अच्छा माशाल्लाह, आप अभी आपके पास है, आपके अंडर में हम ताला के इधर ही। आपने ये देखा कि वो सामने आ गया? बिल्कुल सामने आ गया, काले रंग का छोटा सा काले का था, बिल्कुल बड़ा बड़ा दांत थे। तो उसने कुछ कहा, कुछ बोला? रड़िया कर रहा, सब रड़िया कर रहा, चीख रहा था। रड़िया मतलब चीखना? क्या चीख रहा था, क्या कह रहा था? जैसे आवाज समझ में, कभी देखते बच्चे की आवाज आ रही है, कभी देखो तो जानवर की आवाज आ रही है। सुनी भी है भाई, बिल्कुल आंखें अपने जो मालिक है उसने अपने कानों से देखी है और सुनी और देखी हुई चीज है। मालिक ने खुद पहले तो यकीन नहीं कर रहा था, उस गरीब जो बीमार था वो मर गया था, उसके बातों पे यकीन ही नहीं कर रहा था। कंफर्म हो गया जी, पहले जो यहाँ पर लोग रहते थे गैर मजहब दूसरे मजहब के, वो चले गए, उसके बाद आए मुसलमान चौकीदार वगैरह, वो बेचारे यहाँ पर बीमार हुए, खौफ से उनकी मौत वाकई हो गई। आसपास के लोगों ने उनसे कहा कि जी यहाँ पर जिन्नात का मसला है, तो मालिक ने यकीन नहीं किया इस बात का। उन्होंने कहा जुम्मे को यहाँ से आवाज़ें आती हैं, जुम्मे को मालिक आके खुद रुके हैं यहाँ पर देखने के लिए कि कौन सी आवाज़ें, हम भी देखते हैं। उन्होंने खुद देखा है, खुद सुना है और चीखें मार के वो भी भागे हैं। भागे बात यहाँ के वडेरे तक पहुँची है, वडेरे साहब का ये कहना है कि हम आपको बंदा दे देंगे तो दूर से चौकीदारी करेगा लेकिन इसको छेड़ेगा नहीं, इससे पंगा नहीं लेगा, मकसद ये कि आप छोड़ दें। कुर्बानी के लिए जानवर बांधे थे हमारे मालकों ने, तो उधर कुर्बाड़े भी काम कर रहा था, उसको भी तकलीफ थी और जानवर बच नहीं रहा था, एक महीने में एक मरा, दूसरा मरा, इसे खत्म हो गया। अच्छा, जानवर भी इतनी बोतलें रखी हुई इंजेक्शन की वहाँ पर, बिल्कुल जानवरों को तो वैसे भी ये चीजें नजर आती है जी। मैं ये कह रहा था कि खूंटे कहीं तोड़ के तो नहीं भागे गए जानवर, नहीं जानवर बिल्कुल रस्सी तोड़ के भागता था, और कोई मर भी बहुत गया जानवर, मालकों का बहुत नुकसान हुआ, जानवर भी मर गया। लग तो ये रहा है कि यार किसी से कोई गलती हुई है, और ऐसी गलती हुई है कि अब नाकाबले बर्दाश्त हो गया है, एकदम से ऐसे खुद तो नहीं होता। शुरू में इधर रहते ना, इसलिए हो सके उससे जिनात होगी, ये भाई जिनात है, बिल्कुल खतरनाक जिनात है, मगर ये कोई भी अंदर जाता है तो उसको छोड़ते नहीं है अंदर। आप एक चीज नोट करें जी, तो देखें आप वो बात जैसे कर रहे हैं तो कैसे काम पर है। अब जी ये सब आपके सामने है, बात जितनी करें निकलती ही रहेगी क्योंकि सालों का मामला है, कई वाकयात होंगे, पूरे गांव ने देखा है, इन्होंने खुद देखा है और ये भी हाजिर चौकीदार हैं उस जगह के, लेकिन दूर से, दिन में भी करीब नहीं जाते, सब बता रहे हैं आपको। अब एक वजह महसूस होती है, दरख्त को आग लगना जी। बड़ी वजह जो कि अखलाकी तौर पर भी ठीक नहीं है यार, सर कचरे के चक्कर में आपने दरख्त को आग लगा दी। अच्छा ये गेट बाद में बनाया है? ये गेट बाद में बनाया। अच्छा यहाँ होते जी, अल्लाह खैर अल्लाह खैर। ये भी हमारे बंदा ही इसको असर हुआ हुआ है, यहीं से तो हम आए थे। जी ये दो गेट है, ये तो दूसरा गेट अभी में हम लगाया। अच्छा, पहले नहीं था ये? पहले वो बार वाला गेट एक ही था, अभी हमने दो गेट लगाए हुआ, तो एक से कोई बंदा गुजर जाता है तो यहाँ पे हम बैठे हुए हैं। इस गेट से आगे नहीं आते हो? नहीं, आप रात के टाइम अंदर नहीं आते, इसी गेट पे हम बैठते हैं, इधर ही हम बैठे हुए थे, कोई बंदा नहीं आया। कोई आगे
चाह रहा है उसको छेड़ना नहीं, उसका दिमाग थोड़ा मेंटल हो जाए। डॉक्टर वॉक्टर को दिखाया? दिखाया, मौलवी को दिखाया, बोला इसको इसका खून पूरा जन जूस लिया। इधर से ही? जी इधर ही ड्यूटी कर रहा था पहले, ये हमारे साथ यही था ना, यही था चौकीदार। मेरे से पहले ये था चौकीदार, ये भी ऐसे बीमार हो गया था अभी, जैसे जैसे पागल की तरह। यहाँ क्या कर रहा है? बस इसको हम घर पे छोड़ देते हैं, भाग जाते हैं कभी, देखो जंगल में जाते हैं कभी। क्या हुआ है? क्या हुआ गेट को? किसी आवाज आ रही है। ये ऊपर क्यों देख रहे हैं भाई? इससे ज्यादा बात नहीं करो, ज्यादा बात इससे नहीं करो, क्योंकि ये बिगड़ जाते हैं। ऊपर ही देखने जाते हैं, जब भी आते हैं ना ऊपर ही, इसका गर्दन ऊपर ही होता है। सर टटहरी बाउंड कर रही है समझ भाई, किसको देख रहा है? इसको कोई चीज देखे दिखाई दे रहा है, इसे पता नहीं क्या है। पीछे आ जा समझ, गेट भी हवा तेज हो गई है। कौन है, कौन है ऊपर? हिल क्यों रहा है? अल्लाह खैर, अल्लाह खैर। कुछ चाहिए भाई? नहीं 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 करो, छेड़ो नहीं करो। ये पहले सही था? ये बिल्कुल सही था, पहले हमारे से पहले ये था ना, वो ही है जिसने जलदारा खोरक चलाया, चौकीदार था वो। उसके बाद ये आया था, ये भी जो चौकीदार था ना, ये भी अंदर जाता था इधर, हम जो बैठे इधर ही बैठे, आगे हम नहीं जाते, तो ये अंदर ही जाता था। बहरहाल तो आप बता रहे हो कि यहाँ से अंदर नहीं जाते हो? नहीं जाते बिल्कुल। और बाहर तक देखते हो? वो वहाँ से देखते हो बस? बिल्कुल वहाँ से जाते हैं। उधर जहाँ जमीन शुरू होती है वहाँ नहीं होती? नहीं वहाँ वहाँ हम नहीं जा सकते। चलो जहाँ तक जाते हो दिखाओ। क्या हो गया? देखो तो सही हाल रखो आप। मैं कह रहा हूँ दूर से ही देखो, आगे नहीं जाओ। हैं, कहाँ मत जाओ? क्यों? क्या कह रहे हैं? कोई मार डालेगा? मार डालेगा। कौन मार डालेगा? भूत है। काम समझ, हवा देख, दरख्तों को देख। यार मैं वही कह रहा हूँ, ये क्या हो रहा है? दरख्तों को ही देख रहे थे ना पहले। हाँ। आप बोल रहे हो ये मकान है। क्या हुआ? बस ये कोई भी अंदर जा रहा है, यही आवाज निकाल रहे हैं। लाइट नहीं जाओ जल्दी ऑन। ये क्या हुआ है? जाएगी। ये क्या हुआ है? खुद ही बंद हुई थी। खुद अंदर नहीं आ रहे? नहीं। अंदर नहीं जाओ। जी अंदर नहीं जाओ। क्यों? उसके अंदर नहीं जाओ, खौफनाक जगह है, ऐसे ही अंदर चले जाते हो। क्या होगा? चप्पल की आवाज आ रही है, ऐसे कहाँ आ रही है? अंदर से। अभी आपने मुझे कहा वो मार देगा, क्या हो गया? देखो तो सही हाल रखता हूँ आप। मैं कह रहा हूँ दूर से ही देखो, आगे नहीं जाओ। हैं, कहाँ मत जाओ? क्यों? क्या कह रहे हैं? कोई मार डालेगा? मार डालेगा। कौन मार देगा? वो पता नहीं यार, कोई ऐसे ही बोल देगा वो मार देगा। है दिमाग उसका मेंटल हो गया है जिंद की वजह से, जब भी आज कोई भी आता है। देखो यार भाई, ये नाम बोल रहे हैं। दिमाग उसका मेंटल हो गया है जिंद की वजह से, जब भी आज कोई भी आता है। यार भाई, ये नॉर्मल नहीं है। फिर देख दरख्तों को खबर, क्या मुसीबत है ये आपने किया है? नहीं। यार क्यों डरा रहे हो हमें? क्यों मजाक कर रहे हो हमारे साथ? नोट
कर रहे हैं आप ये बातें, जुमले नोट कर रहे हैं आप ये, तुम किसी की सुनते भी नहीं हो, नोट कर रहे हैं आप ये बातें, जुमले नोट कर रहे हैं आप ये, तुम किसी की सुनते भी नहीं हो। कौन है ये आपने क्या कहा कि मैं किसी की सुनता भी नहीं हूँ, हैं? आपको कैसे पता ये बात? मेरे को आवाज आती है पीछे। क्या आवाज आती है? ऐसे आवाज है, आदमी जैसे चलता है। ये किसने कहा आपको कि मैं किसी की सुनता भी नहीं हूँ? अभी आपने बोला नहीं मुझे, हैं? या ये भी ऐसे ही बोल दिया? बोला नहीं बोला अभी? बोला तो मैंने कहा अंदर नहीं जाओ। अब ये कौन है? इसने यही बोला, मेरे पीछे से कोई बोलता है। अभी आपने मुझे ये कहा कि किसी की सुनते भी नहीं हो, ये क्यों कहा? मैंने कहा था। नोट कर रहे हैं आप ये बातें, जुमले नोट कर रहे हैं आप ये, तुम किसी की सुनते भी नहीं हो। चलो ठीक है बेटा, मेहरबानी। लेकिन उसके दो जुमले ऐसे बोले समझे। अच्छा, उसकी टोन भी वो नहीं थी, देखो नहीं थी, दो से तीन टोन चेंज किए उसने। पहले कहता है वो मार देगा, हाँ, फिर कह रहे हैं कि तुम सुनते नहीं हो किसी की, ये बात तो ये थोड़ी कह सकता है यार। उस वक्त हवा दिखी थी, और मसला ये है कि पहले ये काम कर हैं फिर। अबे छोड़ो यार सज्जाद भाई, ये वो बता रहा है कि इसका दिमाग सही नहीं है, दिमाग सही नहीं है, छोड़ दो यार। भाई तुम कौन हो जो तुम्हारे मना करने में नहीं जाए? हैं हवाएं नोट करते हैं आप, मैं ये चीजें काउंट कर रहा हूं, समझता है? आपने एक चीज शायद देखी हो कि जब ये वापस अपनी टोन में बोल रहा है ना, कुछ भी नहीं हो रहा इसकी, जैसे टोन चेंज हो रही है ना, हवाएं भी तेज हो रही है, और उसको खुद भी नहीं पता कि वो बोल क्या रहा है। नहीं, मैंने आंखों में देखा है भाई के ना, उस टाइम में पास था ना, इसके अंदर से टक टक की आवाज आ रही थी ऐसी। अभी उसने एक बात बोली जी, उसके बाद आपने उससे पूछा, हाँ, उसने बोला मैंने तो नहीं बोली। वही तो मैं कह रहा हूँ, कह रहा हूँ। हवाएं कहाँ गई? कहाँ गया है? गया। आपकी ड्यूटी नहीं है, इनकी ड्यूटी है। अल्लाह अकबर भाई जान, सुन रहे हैं? जी बिल्कुल सुन रहे हैं आप? बोला अभी शिफ्ट हुआ हूँ। किसने लगा दी इनकी ड्यूटी? नहीं है, इनकी ड्यूटी है। यार ये जुमले मुझे सोच में डाल देते हैं भाई। आप जुमले नोट कर भाई, अगर यहाँ इसकी बातों में खड़े रहोगे तो खड़े ही रहोगे। आओ अल्लाह के नाम लेके अंदर चलते हैं। कोई चीज तो है, अब देखो बिल्कुल सुकून हो गया वापस। अब कहाँ हवाएं? अब कहाँ हैं? एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार हुआ है ऐसा। आप ठीक हो? इधर आना चाहोगे? पाँव तो नहीं चाहोगे? जी एक ही है, बड़ा नहीं है ज़्यादा। बाकी कहाँ हैं? बाकी नहीं है। नहीं और कोई है? नहीं। आसपास है कोई पांव का निशान और? नहीं, गाड़ी के टायर से है जो तो हम लोग आए हैं तो उसकी गाड़ी वहाँ से दिखाना, कोई और निशान है? कोई और पांव का निशान कहीं पे? नहीं, कुछ भी नहीं है। नहीं। बात
जूते का नहीं है ये? नंगे पाँव है? इतना बड़ा जूता है कहाँ? वो इतना बड़ा और अंगूठे भी नहीं है। और एक क्यों है, बाकी कहाँ है? आसपास भी कोई पाँव का निशान है? नहीं, सामने वाला सीधे हाथ पे जो है, समझ भाई वो आ रहे हैं रिकॉर्ड में कामरान भाई, वो उसका नजर आ रहा है शेड ऊपर से, बहुत हल्का, कोई भी नुकसान होगा हमारे जमींदार नहीं है। चले हम बाहर से देखते हैं, बाहर से देख के, बाहर से देखते हैं। बड़ी मेहरबानी, बड़ी मेहरबानी। आप इधर ही हो ना, गेट पे? मैं गेट पे हूँ। ठीक है भाई, खुदा हाफिज़। वो आवाज़ ही बंद हो गई इधर आते हुए इनकी, समझ रहे? पता नहीं क्यों मुझे लग रहा है वो जो दूसरा था ना, आपने महसूस किया नहीं किया उसके कुछ ऐसे जुमले थे जो उसके नहीं थे यार, नहीं थे ऐसा नहीं। लगता है जैसे हमें अरसे से जानता है और उसको ड्यूटी वो सेठ ने नहीं किसी और ने लगाई उसकी ड्यूटी, ऐसा लगता है जो मखलूकात यहाँ पे हैं उसके कंट्रोल में है और उन्होंने ही कहा है कि इनको मत आने देना वहाँ। क्या हो गया? देखो तो सही हाल रखता हूँ आप, मैं कह रहा हूँ दूर से ही देखो, आगे नहीं जाओ, हैं? कहाँ मत जाओ, क्यों? क्या कह रहे हैं, कोई मार डालेगा? मार डाले, दिमाग उसका मेंटल हो गया है जिंज की वजह से, जब भी आज कोई भी आता है। भाई ये नॉर्मल नहीं है, नोट कर रहे हैं आप ये बातें, जुमले नोट कर रहे हैं आप ये, तुम किसी की सुनते भी नहीं है, ये इनकी ड्यूटी है। दिमाग उसका मेंटल हो गया है जिंज की वजह से, जब भी आज कोई भी आता है। भाई ये नॉर्मल नहीं है,